दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मोतिहार में होमगार्ड का जवान का शव बरामद। वहीं एक और बड़ी खबर कि हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज के पीआरओ को दोपहर में नोटिस दिए और शाम को सस्पेंड किए। वहीं हरदोई से एक खबर निकल कर आ रही है कि वेतन भत्ते को लेकर होमगार्डों का प्रदर्शन और एक और बड़ी खबर कि 3 सैनिकों को ड्यूटी से हटाया। तो चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों होमगार्ड का वेतन बढ़ाए जाने को लेकर जारी प्रेस नोट पर विवाद। गृह मंत्री को भी कार्रवाई की जानकारी नहीं, देर शाम तक नहीं था पता। आपको बता दें खबर निकल कर आई हरियाणा से, गृह मंत्री अनिल विज के पब्लिक रिलेशन पीआर का काम देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कृष्णा कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर ये गाज होमगार्ड का मानदेय बढ़ाए जाने पर जारी हुई प्रेस नोट में कुछ अखबारों में छपने पर गिरी। सूत्रों का कहना है कि उनके विभाग के एक डिप्टी डायरेक्टर की ओर से सोमवार दोपहर करीब 1 बजे स्पष्टीकरण के लिए उन्हें पहले नोटिस भेजा गया। इसमें लिखा था कि आपने मेल के जरिए उक्त प्रेस नोट विड्रॉ करने के लिए ईमेल किया, इसके बावजूद भी कुछ समाचार पत्रों में ये खबर छपी है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। बताया गया कि नोटिस को 1 घंटे में जवाब मांगा गया था, लेकिन कुछ समय बाद एक कर्मचारी कृष्णा कुमार के पास गया और नोटिस देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे वापस ले लिया। इसके बाद शाम को उन्हें सस्पेंड कर आदेश जारी कर दिया। उनका मुख्यालय चंडीगढ़ ही था। इस मामले की सूचना देर शाम तक गृह मंत्री को भी नहीं थी। तो दोस्तों चलिए, मोतिहारी में होमगार्ड जवान का शव बरामद। 18 फरवरी बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के नारपुर नदी के किनारे पुलिस ने आज गृह रक्षक वाहिनी के एक जवान का शव बरामद किया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर नारपुर नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान इसी थाना क्षेत्र के माधोपुर फुलवरिया गाँव निवासी रामेश्वर सैनी 55 के रूप में की गई है, जो होमगार्ड का जवान था। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले। आशंका है कि अपराधियों की जवान की हत्या करने के बाद शव को लाकर नदी के किनारे फेंक दिया। इसे हरदोई वेतन भत्ते के भुगतान को लेकर प्रदर्शन होमगार्डों का। हाँ जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्डिंग अवैतनिक कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस विभाग में नियोजित होमगार्ड पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में एसोसिएशन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में नियोजित 25,000 होमगार्ड विभिन्न जनपदों में कानून व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं, मगर विगत 6 महीने से उनकी ड्यूटी भत्ता नहीं दिया गया। पुलिस विभाग से नियोजित होमगार्ड को ड्यूटी का भत्ता नहीं मिल रहा है, इससे उनके सामने संकट पैदा हो गया। शासन की ओर से पुलिस विभाग को बजट भी नहीं दिया गया, मगर इसके बाद भी ड्यूटी भत्ते का भुगतान नहीं गया। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार आने वाला और होमगार्डों को विगत 6 माह से ड्यूटी का भत्ता नहीं मिला, इससे भी उनका घर परेशानी से गुजर रहा है। उन्होंने मांग की जल्द से जल्द होमगार्ड की ड्यूटी भत्ता जारी की जाए। इस मौके पर राम मुरारी, अमित पांडे आदि लोग मौजूद रहे। एक और बड़ी खबर दोस्तों, चलिए फटाफट चलते हैं उसकी तरफ कि 3 सैनिकों को ड्यूटी से हटाया जनसुनवाई में। युक्ति द्वारा हंगामा के दौरान होमगार्ड सैनिक को खड़े रहने का मामला, पिछले सप्ताह जनसुनवाई। हाँ जी दोस्तों, पिछले सप्ताह जनसुनवाई में लड़की द्वारा किए गए हंगामे के मामले में 3 होमगार्ड सैनिकों को कलेक्टोरेट ड्यूटी से हटा दिया। कलेक्टर के पत्र के आधार पर होमगार्ड कमांडेंट ने होमगार्ड सैनिकों को ड्यूटी से हटाया था। जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को जनसुनवाई में युक्ति ने कन्यादान योजना की राशि को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। लड़की हंगामा करती रही और कलेक्टर उठकर जनसुनवाई से चली गई। इस घटना में होमगार्ड सैनिक मुकदेश खड़े रहे, क्योंकि लड़की होने की वजह से वो उसे हाथ नहीं लगा सकते। कलेक्टर अनुग्रह पी ने होमगार्ड सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया। होमगार्ड कमांडेंट ने होमगार्ड हरिश्वर और इम्तियाज खान शामिल थे। इधर वार्डन को हटाया। ग्वालियर में मेला देखने के नाम पर दिव्यांग मंचों को लोडिंग वाहन के सफर कराने के मामले में एनजीओ चलाने वाले रामधुन सिंह राठौर ने कहा कि लापरवाही पर वार्डन नरोत्तम मिश्रा को हटाएगा। नोटिस का क्या जवाब दिया इस बारे में कुछ नहीं बताया। वहीं एपीसी हरीश बागवर का मोबाइल भी बंद है, डीपीसी डीआर करने फोन रिसीव करने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों ये रही बड़ी खबर सभी होमगार्ड भाइयों के लिए। ऐसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भारत के सभी प्रदेशों की खबर पाएं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उसको दबाएँ और कमेंट करके बताएँ कि आप कहाँ से, ताकि मुझे वहाँ की न्यूज़ देने में आसानी हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।